क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यापारी भगवान को भी अपना बिजनेस पार्टनर बना ले ताकि मुनाफे की 100% गारंटी उसको मिल सके। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन नोटों का अंबार हम आपको दिखाते हैं और नोटों का जो अंबार आप देखेंगे वो भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाने का नतीजा है। नोट इतने कि गिनने के लिए दर्जनों लोग लगा दिए गए। हम आपको नोटों की गिनती जरा दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, भगवान जब बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो कुछ नोट ऐसे बरसते हैं, और ये नोट जो आप देख रहे हैं ये बिजनेस में हुए मुनाफे में से भगवान को मिला हुआ उनका हिस्सा है, यानी भगवान की जो पार्टनरशिप थी उसका हिस्सा भगवान को मिल गया और वही नोट गिने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भगवान को कारोबार में जितने प्रतिशत का हिस्सेदार बनाया था उतना भगवान को समर्पित कर दिया और अब तक 12,80,00,000 से ज्यादा कीमत के नोटों की गिनती हो चुकी है और अभी भी ये गिनती चल रही है। तो भगवान को पार्टनर बनाकर मुनाफा कमाने की यह खबर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जहां कृष्णधाम की पहचान रखने वाले श्री सांवलिया जी का मंदिर है, सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। यहां ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु सांवलिया जी के चरणों में अपनी आय का जितना हिस्सा समर्पित करते हैं उन्हें व्यापार में उतना ही मुनाफा होता है। मुनाफा होने पर श्रद्धालु 2 से लेकर 20% तक हिस्सा चढ़ा देते हैं। लोग ये मान लेते हैं कि 20% हिस्सा भगवान का होगा तो मुनाफा होने पर 20% उनको समर्पित कर देते हैं। एक तरह से श्रद्धालुओं ने भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है और मान्यता की वजह से देश भर से श्रद्धालु आकर अपनी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं। कुछ लोग सोने और चांदी के आभूषण भी चढ़ाते हैं। भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाने वाले देश ही नहीं विदेशों में भी है। हर महीने चढ़ावे में मंदिर ट्रस्ट को डॉलर भी मिलते हैं, पाउंड, रियाल और दीनार में भी करेंसी मिलती है। भंडार में जैसे कई बार लोग किसी ने गाड़ी ली तो अगर उसने गाड़ी की कामना की तो फिर चांदी की गाड़ी चढ़ा के चले गए। किसी ने अगर बढ़िया प्लांटेशन की कल्पना की कि मेरा प्लांटेशन अच्छा हो जाए तो पेड़ चांदी के पेड़ चढ़ा जाते हैं। इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, किसी ने शॉप की तो शॉप का कोई ऐसा सांकेतिक जो प्रतिमूर्ति इस टाइप का कुछ आइटम धातु के रूप में चढ़ा के चले जाते हैं। तो सांवलिया सेठ को समर्पित धनराशि के भंडार यानी दान पात्र हर महीने अमावस्या से एक दिन पहले खोले जाते हैं, जिसके बाद कई दिनों तक नोटों की गिनती जारी रहती है। भगवान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप से कई गुना रिटर्न मिलने के विश्वास की वजह से मंदिर में चढ़ावे की राशि करोड़ों में पहुंच रही है और इसी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 24 मार्च को 1.5 महीने में दान पात्र से 18,55,00,000 से ज्यादा कैश, 99 किलो चांदी और 863 ग्राम सोना मिला था। 7 अप्रैल को 13 दिन में दान पात्र से 5,91,00,000 कैश, 14 किलो चांदी और 374 ग्राम सोना मिला था। एक तरह से भगवान को पार्टनरशिप से जो हिस्सा मिलता है उसे मंदिर कमेटी मंदिर के विकास, मूलभूत सुविधाओं और आसपास के गांवों के विकास पर खर्च करती है। Zee News.